ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हमने अभी तक मिनिमम और मीडियम और इनकी बात कर ली थी और जितने भी क्वार्टर डेविएशंस और इनकी बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे में डिस्पर्सन की। डिस्पर्सन क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसका क्या अर्थ है और इसके क्या क्या माप होते हैं, किस तरह से निकाला जाता है। देखिए, डिस्पर्सन का शाब्दिक अर्थ यह है कि ये किसी भी पद श्रेणी में फैलाव, बिखराव या विस्तार को जानना डिस्पर्सन है। मतलब क्या है, जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक श्रेणी है जिसमें कुछ संख्याएं हैं और ये संख्याएं हैं इस तरह से, तो इनको देख करके इसका फैलाव कितना है, यानी कि सबसे मिनिमम जो ये नंबर ये है और सबसे मैक्सिमम नंबर ये है, इन दोनों का अगर यदि मैं इनका अंतर निकालता हूं तो ये मेरे पास आता है 34। यानी कि 34 नंबर तक का इनका फैलाव, बिखराव और या विस्तार है इनका। ये इसका एक शाब्दिक अर्थ है अपकिरण का। अब हम बात करते हैं इसकी एक परिभाषा को लेते हैं कि अपकिरण किसी श्रेणी के पदमूल्यों के बिखराव या विचरण की सीमा को बताता है। देखिए, किसी भी पद मूल्य के बिखराव या विचरण की सीमा, बिखराव कितना है ये अभी हमने निकाला, 40 - 6 = 34। यानी कितना फैलाव है और या कितना विचरण है, अभी विचरण की बात हम आगे करेंगे, तो कितना फैलाव है इसकी सीमा बताता है। यानी कितने कितने तक का है, तो लेकिन 34 मार्क नंबर तक का जो है इसमें एक फैलाव है। तो इसके एक सापेक्ष और निरपेक्ष माप होते हैं। यानी कि किसी एक श्रेणी की अगर बात करते हैं और उस श्रेणी में अगर हम डिस्पर्सन की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एक निरपेक्ष माप की प्राप्ति होती है कि हाँ भाई इसमें कितना फैलाव या बिखराव है, ये हमें पता चलता है। और दूसरी पद श्रेणी से यदि हम इसकी तुलना करना चाहें तो हम इसकी तुलना कर सकते हैं। इसकी हम आगे बात करेंगे कि कोफिशियंट ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, यानी कौन कौन से माप है उनके अंदर कोफिशियंट की गुणांक की हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि हम सापेक्ष माप की तुलना कर सापेक्ष माप निकालते हैं ताकि हम दो या दो से अधिक श्रेणियों की तुलना कर सकें। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका शाब्दिक अर्थ है फैलाव, बिखराव या विस्तार से होता है और किसी भी पद मूल्यों, किसी भी श्रेणी के पद मूल्यों के बिखराव या विचरण की जो सीमा होती है, जो एक उसकी लिमिट है, उसको डिस्पर्सन बताता है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ लिमिट्स की, और सॉरी अपकिरण के माप की बात करते हैं कि अपकिरण के माप हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसके दो माप होते हैं, यानी कि हम इसको दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक होता है मेथड ऑफ लिमिट्स, केवल हम लिमिट्स की बात करेंगे, यानी कि इसकी जो सीमा है उसकी बात करेंगे, सीमा रीति जिसको हिंदी में बोलते हैं, सीमा रीतियां क्या है उसकी बात करेंगे यहां। और इसके बाद हम बात करते हैं एक मेथड और है, एवरेजिंग डेविएशन मेथड, यानी कि विचलन विधि की हम बात करेंगे यहां पर। तो इसके अंदर दो मेथड हैं आपको याद रखने, मेथड ऑफ लिमिट्स और एवरेजिंग डेविएशन मेथड्स। अब इसके अंदर कौन कौन से मेथड हैं जो जिनकी कैलकुलेशन करके हम इसको याद करते हैं, तो देखिए सीमा रीति में हम चार तरह के पढ़ेंगे। एक तो होता है रेंज, रेंज मतलब सीमा, यानी कि एक लिमिट्स कि भाई यहां से लेके यहां तक, ये रेंज हो गई हमारे लिए कि हम किसके बीच में बात कर रहे हैं, 34 के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखिए ये बात हम कर चुके हैं क्वार्टाइल की, पिछली जो चैप्टर है उसके अंदर हमने क्वार्टाइल पढ़े थे और क्वार्टाइल हमने यहां पढ़े थे Q3 और Q1 को हमने पढ़ चुके हैं इसके अंदर। तो जहां पर अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो क्वार्टाइल रेंज क्या है उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे, यानी कि हमें क्वार्टाइल की कैलकुलेशन आनी चाहिए, हम उसको किस तरह से ज्ञात करते हैं ये हमें पता होना चाहिए, तो उसके बाद में हम इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात करेंगे। एक है इसके अंदर परसेंटाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज। देखिए परसेंटाइल से हमें मालूम है कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है और परसेंटाइल रेंज क्या है, हम जानते हैं कि P1 से लेके P99 तक की कोई वैल्यू निकालते हैं तो उसको परसेंटाइल हम निकाल सकते हैं, यानी कि उसका कितना परसेंट भाग है, यानी कि 2 भाग 3 भाग 4 भाग, ऐसे करके 99 भाग तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात यह आती है,
परसेंटाइल रेंज निकालने के लिए हमें एक तो चाहिए पी 90 और एक चाहिए पी 10। अगर हम पी 90 में से पी 10 को निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये परसेंटाइल रेंज है। अभी मैं बात करूंगा इसके फॉर्मूले की, किस तरह से इसकी बात हम चर्चा भी हम करेंगे। इसके बाद में एक बात और करते हैं हम इसके अंदर, और वो बात है इसके अंदर क्वार्टाइल डेविएशन की। क्वार्टाइल डेविएशन, तो यानी कि चार मेथड हो गए इसके अंदर जिनकी कैलकुलेशन को हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेजिंग डेविएशन मेथड। देखिए इस ये पूरा का पूरा आधारित होता है, ये पूरा का पूरा आधारित होता है अर्थमेटिक मीन पर आधारित होता है, और हम इस पर दो तरह से कैलकुलेशन करेंगे, दो तरीके से ज्ञात करेंगे। एक ज्ञात करेंगे हम इसमें मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, और एक हम ज्ञात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके अंदर हम ये दो तरीके के ज्ञात करेंगे। तो अब कुल मिला के हमारे पास इसके अंदर हमें ज्ञात करने के लिए चार और ये दो छह मेथड हैं जिनको हम अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।